यो गाइस, मेरा नाम जो गोल्डबर्ग नहीं है। तो रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर इस साल रिलीज होने वाली 2024 की सबसे बेस्ट सीरीज देखी सो फार। और ये जो है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी तुम्हें शायद सीरीज उतनी पसंद ना आए जितनी मेरे को आई, बट स्टिल इट्स रियली गुड। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेबी रेनडियर नाम की एक ब्रिटिश सीरीज, जो की काफी टाइम से नेटफ्लिक्स का जो सीरीज वाला सेक्शन है वहाँ पे ट्रेंड हो रही थी, अभी तो निकल गई है। और मेरे फ्रेंड ने भी रिकमेंड किया था इसे देखने को, सो मैंने देख ली एंड इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट। तो शो का प्रीमाइस बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो कहानी है वो असल में बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है, मतलब सच्ची घटना पे आधारित है। दूसरी चीज, जिस भी आदमी के साथ ये सिचुएशन हुई थी वही आदमी ने इस शो की कहानी लिखी है, इसे बनाया है और खुद एक्टिंग भी की है रिचर्ड गेट ने। अब आ जाते हैं इसकी कहानी पर। तो सीरीज की शुरुआत में हमें डॉनी डन नाम का एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में जाता है मार्था स्कॉट नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत की कंप्लेन करने के लिए, जो उसे कई महीने उसे स्टॉक कर रही होती है। तब पुलिस वाला उसे सवाल पूछता है कि अगर वो तुम्हें कई महीनों से स्टॉक कर रही है तो अब जाके कंप्लेन लिखवाने क्यों आया है। फिर डॉनी हमें स्टोरी बताना चालू करता है कि उसे मार्था कैसे मिली, कब उसने उसे स्टॉक करना चालू किया और क्यों उसने इतना टाइम वेट किया उसकी कंप्लेन लिखाने में। यही बेसिक सा प्लॉट है इस शो का स्टॉकिंग, जो कि मेरे को पता है काफी ही सिंपल लग रहा होगा कि एक स्टॉकिंग कहानी में क्या ही अच्छा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है ब्रो। जब तुम इसे देखोगे कि कैसे एक औरत एक आदमी की जिंदगी नरक से भी बना देती है सिर्फ उसे कुछ महीने स्टॉक करके, तो तुम्हारी गांड फट जाएगी वो देख के कि अगर ये चीज मेरे साथ असल में रियल जिंदगी में हो गई तो मैं क्या करूंगा। मतलब शो के अंदर एक मोमेंट ऐसा आता है कि मार्था लिटरली डॉनी के घर से लेके उसकी लव लाइफ के पूरी तरीके से एल लगा देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। हालांकि जब तुम्हें एंड में पता लगेगा कि मार्था जैसी है वो वैसी क्यों है और क्यों उसने डॉनी के साथ इस तरीके की चीज की, उसके पीछे का कारण जब तुम्हें पता लगेगा तब तुम थोड़े रिलैक्स हो जाओगे। इवन थो पूरी सीरीज के अंदर तुम उसे डेफिनेटली हेट करने वाले हो। ओवरऑल बेबी रेनडियर की बात करें तो स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें एक चीज क्लियर कर दी थी कि दिस इज द बेस्ट सीरीज ऑफ 2024 ऑन नेटफ्लिक्स मेरे लिए, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट डोज ऑफ एवरीथिंग। ये तुम्हें हंसाती है वो भी अच्छा वाला, और डॉनी के साथ कई टाइम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसे देख के एक जगह तुम्हें उस पर दया आती है, दूसरी जगह वो सिचुएशन देख के हंसी, और कुछ जगह ये इतना डार्क चले जाता है, स्पेशली चौथा और छठा एपिसोड, जिसे जब तुम देखोगे तब तुम अंदर से टूट जाओगे कि एक मर्द के साथ इससे खराब चीज और क्या हो सकती है। अगर तुम सेंसिटिव हो या फिर वो एपिसोड को अकेले में बैठ के देखोगे देन मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोइंग टू मेक यू क्राई। बाकी अगर शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताने हो तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आई हैव पर्सनली नो कंप्लेंट्स, मेरे को कोई भी चीज खराब नहीं लगी। जिस पीक पॉइंट पे चालू होता है उसी से ये आगे बढ़ता है और एंडिंग भी उसी पीक पॉइंट पे खत्म होता है। बीच में मे बी तुम्हें थोड़ा सा एकदम ही माइनर सा डिप डाउन लग सकता है, बट स्टिल इट्स जस्ट ग्रेट। जिसके पीछे का कारण काफी सिंपल है कि सीरीज की जो राइटिंग है वो ब्रिलियंट है। अगर किसी भी शो को अच्छे तरीके से लिखा गया हो तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो बस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने स्टॉक करने वाले दोस्तों के साथ। अगर तुमने बेबी रेनडियर ऑलरेडी देख ली है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम्हारे थॉट्स जरूर बता के जाना कि कैसी लगी। अगर नहीं देखी है देन टाइम वेस्ट मत करो, नेटफ्लिक्स पे जाओ, मस्ट वॉच इट। टोटल 7 एपिसोड है आधे आधे घंटे के और ये एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब तुम्हें सेकंड सीजन का वेट करने की भी कोई बकचोदी नहीं करनी पड़ेगी। स्टोरी का कंक्लूजन तुम्हें एंड में दे दिया जाता है और हिंदी डब भी अवेलेबल है, वो भी अच्छा वाला, मैंने हिंदी में ही देखा था। वैसे अगर तुम्हें इसी तरह की नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और बेस्ट सीरीज देखनी है जो कि इसी साल 2024 में रिलीज हुई थी देन मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून। देखता है क्या कछु आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देखता है क्या कछु आ गया।